So let's talk about the family of straight lines. Family of straight lines. ठीक है. Family of straight lines. ठीक है. अब family of straight lines में हम लोग basically पढ़ते क्या है? आप ऐसे समझे दोस्तों कि अगर एक लाइन है L1 इक्वल टू जीरो और एक लाइन है L2 इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये लाइन लेटर से L1 इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन लेटर से L2 इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट कर रही है. इन दोनों के पॉइंट से पास करने वाली कितनी लाइंस होंगी सोच के देखो. इन दोनों पॉइंट, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन. यानी मेरा कहने का मतलब, क्या वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं? यस, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है, तो वो सारी लाइनें जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रही हैं, वो एक फैमिली को बिलोंग कर रही हैं. और उस फैमिली को आप L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर लैम्डा कोई भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, जहां पर लैम्डा कोई भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा. L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा. अलग लैम्डा के लिए बात करेंगे तो अलग इक्वेशन निकल के आ जाएगी. ठीक है ना, हो सकता है लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये लाइन आ रही हो, लैम्डा की दूसरी वैल्यू के लिए ये लाइन आ रही हो, अगली वैल्यू के लिए ये लाइन आ रही हो. राइट फ्रेंड्स, तो ऐसा इस बात से भी जस्टिफाइड है, ये बात भी समझ में आने वाली है क्या? ध्यान से सुने मेरी बात. वेट अ मिनट कि मैं ऐसा बोलूं, अगर L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो, तो मान लो L1 लाइन की इक्वेशन मैंने मानी के लेट अस से x माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, और L2 लाइन की इक्वेशन मानी x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो. तो अपने आप सोचो, L1 प्लस लैम्डा L2, x माइनस वाई प्लस फोर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी x टाइम्स ऑफ वन प्लस लैम्डा प्लस y टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस वन प्लस फोर प्लस टू लैम्डा इक्वल टू जीरो. ये लाइन की इक्वेशन आ गई. राइट, ये लाइन की इक्वेशन आ गई. तो ध्यान से देखें, दिस इज अ डिग्री वन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई विच ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. राइट, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है. अब क्या जरूरी है कि ये वाला क्वेश्चन केवल और केवल इसी तरीके से हो सकता है? और हाँ, और लैम्डा को निकालने के लिए, टू डिटरमाइन लैम्डा, एडिशनल इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन. एडिशनल इंफॉर्मेशन या कंडीशंस क्वेश्चन के अंदर में दी गई होनी चाहिए. कंडीशंस मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन. आई एम श्योर आप सबको मेरी बात ये समझ में आ रही है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है. अभी बताता हूं, क्योंकि जब अभी मैंने कहा लैम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर आएंगे, अलग अलग स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये बात तो 100% क्लियर है. ठीक है, अब ऐसा बोला जाए कि भाई, जैसे कि हमने लिखा L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो लिखा. अगर मैं लैम्डा इक्वल टू जीरो की बात करूंगा, तो ये लाइन दोबारा L1 इक्वल टू जीरो ही तो है. तो L1 इक्वल टू जीरो भी तो उसी फैमिली का पार्ट है जो कि उस पॉइंट से जरूर पास कर रही है जो कि L1 प्लस L1 इक्वल टू जीरो और L2 इक्वल टू जीरो का इंटरसेक्शन है. राइट, और अगर इफ अगर लैम्डा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हम L1 अपॉन लैम्डा प्लस L2 इक्वल टू जीरो करेंगे, तो ये वैल्यू तो जीरो को टेंड करेगी, यानी L2 इक्वल टू जीरो आएगा. और L2 अगर जीरो आएगा, तो इसका मतलब क्या है, L2 इक्वल टू जीरो विल बी दी रिक्वायर्ड लाइन. यहां तक L2 इक्वल टू जीरो क्या आएगी, ये एक रिक्वायर्ड लाइन आएगी. जब L2 इक्वल टू जीरो ये एक रिक्वायर्ड लाइन आ गई,
इसका मतलब L1 इक्वल टू जीरो भी और L2 इक्वल टू जीरो भी इस फैमिली का हिस्सा है, इस फैमिली का पार्ट है। ये बात समझ में आ रही होगी आप सबको, राइट। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन लिखा कि ये L1 इक्वल टू जीरो ले लेते हैं और L2 इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाली L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो मान लिया अपने लोगों ने, क्योंकि यहां पर L1 इक्वल टू जीरो और L2 इक्वल टू जीरो दोनों फिक्स्ड लाइंस हैं, दोनों क्या हैं, फिक्स्ड लाइंस हैं, और एज अ रिजल्ट उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो भी फिक्स्ड आएगा, लेकिन जो नई इक्वेशन आएगी वो वेरी करेगी लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि लैम्डा के निकालने के लिए एक एडिशनल एक कंडीशन दी जानी चाहिए क्वेश्चन के अंदर में, राइट। तो यहां तक तो बात समझ में आती है ये, ओके ग्रेट। तो अब इस एक्सटर्नल गिवन कंडीशन के बारे में क्या मतलब है, ठीक है, उसी क्वेश्चन को बढ़ाते हुए, उसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लेते हुए, मान लो हमने इक्वेशन तो लिख ली कि भाई लैम्डा के टर्म्स में ये रही वो इक्वेशन, ठीक है ना, लैम्डा आएगा तो आंसर आ जाएगा। अब मैंने एडिशनल कंडीशन दे दी, मान लो कि फर्स्ट कंडीशन दे दी कि द गिवन इक्वेशन पासिस थ्रू 0,0, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, तो 0,0 से इसको क्या कराओगे, सेटिस्फाई। अब 0, x को 0 करोगे और y को 0 करोगे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 4+2 लैम्डा इक्वल टू 0 कर दोगे, यानी यहां से आ जाएगा अपने पास 4+2 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी। अगर लैम्डा माइनस 2 आ गया तो इस इक्वेशन के अंदर में आप पुट कर दो, 1 माइनस का 2 करोगे माइनस 1 आएगा, यानी x इंटू माइनस का 1, राइट, फिर आगे प्लस वाई इंटू -2 -1 यानी -3, राइट, प्लस फोर प्लस टू लैम्डा यानी 0 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास, ये रिक्वायर्ड लाइन आ गई, यानी -x -3y यानी x+3y इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर और द रिक्वायर्ड लाइन। आई एम श्योर आप सबको मेरी बात समझ में आई है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या थी या कंडीशन क्या थी कि भैया 0,0 से पास कर रही है वो, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके कई तरीके से पूछा जा सकता है सवाल, जैसे कि मान लो मेरा मनाया उसी क्वेश्चन के अंदर में सेकंड पार्ट मैंने पूछ लिया, दिस लाइन जो कि L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, दिस लाइन इज पैरेलल टू लेट अस से एक और अनदर लाइन है पैरेलल टू L, और L की इक्वेशन दे दी 3x+4y -1 = 0, ठीक है ना, या फिर थर्ड पार्ट के अंदर में यहां पर परपेंडिकुलर टू L, L की इक्वेशन यही मान लो लेट अस से, ठीक है ना, कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे तो दी भैया, ये गिवन लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर दोगे, इसका जो m आ रहा है, इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है और जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाले लाइन है उसका भी स्लोप यही होगा, तो यानी ये क्या वैल्यू आ जाएगी, -3/4। अब -3/4 को उसके स्लोप से इक्वेट कर दें, अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1+λ/λ-1, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो -λ+1/λ-1 यानी -λ+1/λ-1। ये बात समझ में आई, -λ+1/λ-1, ये अपने को बात क्लियर हो जा रही है, राइट, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये और ये कट जाएगा, तो यानी 3λ-3 = 4λ+4, यानी कितना आ जाएगी बात, ये -7 = λ, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, -7। अब -7 को आप क्या कर दें, लेमडा की जगह पर पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर में, गिवन इस रिलेशन के अंदर, इक्वेशन के अंदर में, तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा, वो वाली लाइन जो गिवन लाइन के पैरेलल है। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। अब परपेंडिकुलर को हो गए तो इस लाइन के साथ में, तो m1 × m2 = -1 कर दो, m1 पता है मान लो आपको, तो m2 निकाल दो और वो वैल्यू इक्वल टू m1 m2 = -1 यूज करके वहां से लैम्डा की वैल्यू भी आप निकाल ले, ठीक है। और कैसे सवाल हो सकते हैं इसी बेस पे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो मैंने एक और सवाल पूछ लिया यहां पर, लेट अस से कि भाई एज इक्वल इंटरसेप्ट्स,
इक्वल जो निकल के आई लाइन, उस लाइन के इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, ये बात ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है। अगर इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, तो ऐसा कुछ होगा या फिर ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव आर और ये नेगेटिव आर है, तो बराबर हो ही नहीं पाएंगे। तो ये और ये है, तो यानी जो स्लोप है उसकी वैल्यू माइनस वन कर दो, खत्म बात। जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या कर दो? माइनस वन कर दो। पैरेलल आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, उस लाइन के इक्वल इंटरसेप्ट आ गए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो इनसे अपने पास आंसर निकल आएगा। इसी के अंदर में अगर आप और पार्ट्स ऐड करना चाहते हैं, यस दे कैन ऑल्सो बी एडेड। मैं हिंट दे दे रहा हूं सभी पार्ट्स का, कि मान लो जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन है, वो क्या कर रही है? इट्स एक्स या फिर वाई इंटरसेप्ट दे दिया जाए, लेट अस से इज 3, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करोगे? एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? वाई को जीरो कर दोगे, और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? एक्स को जीरो कर दोगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब एक्स को जीरो किया आपने और वाई को जीरो किया, तो आपके पास लैम्डा की टर्म्स वैल्यू आ जाएगी, पुट इट इक्वल टू 3 इन ईदर ऑफ द केस, या तो एक्स इंटरसेप्ट 3 है या फिर वाई इंटरसेप्ट 3 है। तो एक्चुअली में एक नहीं दो क्वेश्चन है, तो दो आंसर आएंगे अलग अलग, ठीक है, सही है। अब या फिर फिफ्थ पार्ट के अंदर है, विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स या फिर वाई एक्सिस, कोई भी पूछा जा सकता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप को जीरो कर दो, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 1/0 के इक्वेट कर देना, ताकि वो मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल इनफिनिटी के इक्वेट कर देना एक तरीके से 1/0 के, सो दैट आपके पास आंसर आ जाए अलाइन पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, राइट। इसी तरह एक और पार्ट इसका पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? द गिवन लाइन टचेस द कर्व y is equal to x square plus 1, touches the curve y equal to x square plus 1, ठीक है, तो क्या करें इसके अंदर में बताओ? अगर ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है, तो अपने आप सोच करके देखें दोस्तों, एक क्या अगर एक लाइन एक 2 डिग्री कर्व को टच कर रही है, ये 2 डिग्री कर्व है, और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं ये एक पैराबोला है, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का ही तो है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन मान लो ये एक कर्व है, इस कर्व को ये वाली लाइन टच कर रही है, तो यानी टेंजेंट की तरह कर रही है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ये कर्व दे दिया, और जो लाइन है वो क्या आ जाएगी? लाइन हमने पीछे भी निकाली हुई है, क्या आ जाएगी? x times of 1 plus lambda, ये लिख देता हूं मैं एक मिनट के लिए, पूरी बात दोहरा दे रहा हूं, x times of 1 plus lambda plus y times of lambda minus 1 plus 4 plus 2 lambda equal to 0। ये है ना बस रिक्वायर्ड लाइन, जो दोनों लाइन L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, और ये वाली लाइन, यही तो लाइन है L3 एक्चुअली, दिस लाइन इज L3, दिस इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग L3, और L3 जो लाइन है इस कर्व को टच कर रही है, तो क्या करेंगे हम लोग? हम यहां पर y की जगह पर आप x स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दें, और x में क्वाड्रेटिक बना दें, समथिंग इनटू x स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू x प्लस समथिंग इक्वल टू 0, और x में जब क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दें, क्योंकि इस लाइन को इस कर्व को इस लाइन ने टच किया, काटा नहीं है, तो दो अलग अलग रूट नहीं आएंगे, एक ही रूट आएगा, यानी इक्वल रूट आएगा। तो ये बात तो थंब रूल है कि एक गिवन लाइन एक 2 डिग्री कर्व को टच कर रही है, तो हमेशा एक्स में या फिर वाई में क्वाड्रेटिक बनाएं और उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दें। आई एम श्योर दिस पॉइंट इज टोटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो दिस इज वन क्वेश्चन जिसके अंदर में मैंने 5-6 तरीके आपको अलग अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए दिखाए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए कोई और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, ये तो मतलब कोई और भी क्वेश्चन इसके अंदर में पूछा जा सकता है, लेकिन थॉट यही रखनी है अपने को। तो दिस वाज द टाइप 1 ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस। अब टाइप 2 पे भी चलेंगे।
So let us talk about the type 2 of the family of lines. Type 2. अब type 2 पे हम क्या पढ़ेंगे? वो converse है type 1 का एक तरीके से. यानी that is L1 plus lambda L2 equal to 0. एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. वहां पर क्या करते थे? L1 और L2 दे रखे होते थे. हमें तीसरी लाइन निकालते थे L1 plus lambda L2 equal to 0 और lambda additional information से निकालते थे. यहां पर ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है which passes through a fixed point जहां पर L1 equal to 0 and L2 equal to 0 are fixed lines. आप ऐसे समझें, ठीक है ना? L1 plus lambda L2 equal to 0. Example के तौर पे अगर मैं आप लोग से बात करूं, आप लोगों से example, मान लो मैंने लिख दिया x minus का 1 plus lambda times of y minus का 3 equal to 0, ठीक है ना? Clear है? तो ये L1 plus lambda L2 equal to 0 एक ऐसी लाइन है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है जहां पर L1 और L2 दोनों ही फिक्स्ड हैं. ये L1 equal to 0 है, ये L2 equal to 0 है, राइट? L1 कौन सी लाइन है? ये रही. L2 कौन सी लाइन है? ये रही. इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है. तो x minus 1 equal to 0, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3. ये मतलब हुआ इस बात का, ठीक है ना? वहां पर क्या करते थे हम? L1 0 दिया हुआ था और L2 0 दिया हुआ था, हमने एक नई लाइन बनानी होती थी, तो उसको बोलते थे हम लोग L1 plus lambda L2 equal to 0. ठीक, यहां पर क्या दिया हुआ? L1 plus lambda L2 equal to 0 दिया हुआ है और हम ये कह रहे हैं ये एक लाइन की इक्वेशन है जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है और वो फिक्स पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. वो पॉइंट ऑफ क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू फिक्स लाइंस. ये L1 एक फिक्स लाइन है और L2 एक फिक्स लाइन है. इन दोनों का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी फिक्स पॉइंट है. समझ आई मेरी बात? आई एम श्योर. ठीक है, तो अगर ये टाइप 2 जो कि कन्वर्स है टाइप 1 का, अपने को समझ आ गई बात, तो इसका मतलब इसके बेस पे अपन लोग कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर लेटर से क्वेश्चन में पहले की बात करूं, अगर इफ ABC आर इन AP, ABC किसके अंदर में है? AP के अंदर में है, तो देन द वेरिएबल लाइन, देन द वेरिएबल लाइन कौन सी? AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, देन दिस वेरिएबल लाइन पासिस थ्रू a fixed point, passes through a fixed point. I'm repeating. ABC अगर AP के अंदर में, अपने को बताना है कि variable line passes through a fixed point, तो वो fixed point basically अपने को निकालना है कि क्या है. तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल है. कैसे? हमें पता है 2B equal to A plus C होता है अगर तीन numbers ABC AP के अंदर में होता, तो यानी a माइनस का 2b प्लस का c इक्वल टू 0 हो जाएगा. और अगर ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, क्या है? ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0 दे रखा है. दोनों को अगर मैं क्या कर लूं? कंपेयर. अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो दोस्तों, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2. यानी जो फिक्स पॉइंट आएगा वो 1, -2 आएगा और ये दोस्तों आपका आंसर है. समझ आई मेरी बात? ये पक्का. इस क्वेश्चन को हम कंपेयर करके भी कर सकते थे या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे, कैसे? बी की वैल्यू ए प्लस सी बाई टू यहाँ पुट कर दो आप. हमें पता है जो इक्वेशन है वो क्या है? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और बी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. बी की वैल्यू क्या है? ए प्लस सी डिवाइड बाय 2. तो ax plus a plus c divided by 2 into y plus का c equal to 0. ऐसा लिख दूं मैं इक्वेशन के अंदर में, मैंने ये वाली वैल्यू या ये वाला चीज इस्तेमाल कर ली,